नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की सजाएं मौतल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तीनों की रिहाई का हुक्म। जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस गुलमिया औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। तीनों को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। नवाज शरीफ ने सरकारी टीवी पर फैसले की खबर सुनी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जेल अमले ने इत्तला दी। रिहाई के लिए रुकार की तैयारी जारी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की 63 रोजा कैद का खात्मा। मुल्क भर में लीगी कारकुनान का जश्न। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। और कह दो कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की रिहाई के फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने कुरानी आयत ट्वीट कर दी। बाल कहते हैं इंसाफ की फतह हो गई। नैब का इंतकाम पर मबनी फैसला मुस्तरद हो गया। ये सारा सिलसिला नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए किया गया था। नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन नैब ने प्रोसिक्यूशन टीम का इजलास बुला लिया। मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों के बाद अपील दायर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर तवानाई, सदर सऊदी इन्वेस्टमेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी पर बातचीत।